BGMI में A5 का रॉयल पास कब आ रहा है, इसमें इमोट्स कौन कौन से आने वाले हैं और जो आएंगे उनमें से फ्री कौन कौन से होंगे, व्हीकल स्किन्स कैसी आ रही है, फ्री स्किन कौन सी है, रॉयल पास वाली कौन सी है, शॉप पे से क्या क्या लेना पड़ेगा, जो अपग्रेडेबल पैन की स्किन आने वाली थी इसके फीचर्स कैसे रहने वाले हैं, ये सारी चीजों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। नए सीजन के रॉयल पास रिवॉर्ड्स आ चुके हैं, तो आज फटाफट से चेकआउट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में नए सीजन के रॉयल पास से रिलेटेड सारी चीजें। ओके, सो क्या आप एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। ये सारे रिवॉर्ड चेकआउट करेंगे यहाँ पर हम। ये दो नए आउटफिट्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, स्कूटर है, एक वैन की स्किन है, इधर ये लेवल 100 आरपी वाला आउटफिट भी दिख रहा है, एक पैन की स्किन है अपग्रेडेबल। तो सबसे पहले ये है फेटल फॉक्स कवर यार, ये नए रॉयल पास में लेवल 1 पर दिखने के लिए मिलने वाला है। इसके साथ ये आउटफिट भी है, ये दोनों चीजें लेवल 1 पर आनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है, लेजेंडरी आउटफिट भी है। और अगर इस आउटफिट का रिव्यू किया जाए तो मुझे एक्चुअली इसका जो हेयर स्टाइल है, जो इसका हेड कवर है, वो ज्यादा पसंद आया है। फिर इसके बाद यहाँ मुझे दिखा यार ये साइबर फाइटर सेट, ये मुझे लेवल 50 वाला मिथिक आउटफिट लग रहा है। देख रहे हो किस तरह से एनिमेशन हो रहा है इस आउटफिट पर, इसके रंग बदल रहे हैं साइड से। सही है यार, ये आउटफिट खराब नहीं है, मतलब इसका लोअर इतना बढ़िया नहीं है, पैंट ज्यादा अच्छी नहीं है, शर्ट बहुत बढ़िया है इस आउटफिट। फिर मुझे दिखा ये मिथिक आउटफिट लेवल 100 वाला, तो 100 आरपी पर ये मिलेगा फेयर लस्टर सेट। लेवल 3 क्यों लिखा हुआ भाई इस पे? हेलो, ये तो लेवल 100 वाला है। चलो जो भी है, पता चली है ना हमें, सही लग रहा है यार ये वाला आउटफिट मुझे तो। पर जो स्पेशल है इसके बारे में वो है इसका ये नया हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल तो यार दोनों ही आउटफिट्स के बढ़िया है, वो ब्लैक और ब्राउन से उसके बाल है वो काले काले, इसके सफेद बाल है और लाल रंग का रिबन भी है। ये डिजी इस पे निमोट है क्या? अच्छा, ये शायद फ्री इमोट लग रहा है यार मुझे, मतलब जो प्लेयर्स रॉयल पास नहीं लेते उन्हें ये वाला इमोट तो मिलने ही वाला है। ऊपर से एक पपेट जॉय इमोट भी है, मतलब दो इमोट आ रहे हैं क्या फ्री में? दूसरा तो रॉयल पास का ही होगा यार। फिर ये विक्ट्री डांस है A5 का। विक्ट्री डांस वही होता है जब तुम चिकन डिनर ले लेते हो, और फिर MVP प्लेयर जो होता है वो MVP स्टैच्यू को बुलाता है ना, वो मूर्ति जो होती है पीले रंग की, उस मूर्ति पे ये वाला विक्ट्री डांस कर सकते हैं। यार ये तो बहुत बढ़िया इमोट है, ये वाला इमोट तो मैं पक्का लेने वाला हूँ इस बार। चलो अब आगे क्या है, साइबर फाइटर इमोट है ये भी मिथिक इमोट है। मिट्टी में क्या ढूंढ रहा है भाई, जमीन में कुछ खो गया इसका। अब क्या है फायर लस्टर, सही है भाई, ये तो पैन वाला इमोट है, लेवल 100 पर मिलेगा पक्का ये इमोट हमें। पैन से टेनिस खेल रहा है, सही है यार। दोस्तों मैं सोच रहा था, तुम्हें नहीं लगता कि अब आरपी इमोट्स जो एनिमेटेड वाले पहले से बहुत बेटर कर दिए गेम के अंदर? पहले नॉर्मल से मिथिक इमोट्स होते थे रॉयल पास में, और सिर्फ जो क्रेट ओपनिंग वाले होते थे वो अच्छे होते थे। तो अब ये क्या है, किट्सुने ओमेन हेलमेट, और ये फिर बैकपैक है, ग्लाइडेड ग्लेज बैकपैक। रॉयल पास का हेलमेट ऐसा है और रॉयल पास का बैकपैक ऐसा है यार, ये तो व्हाइट कलर के है दोनों, सही लग रहे हैं ना, व्हाइट और रेड आउटफिट से मैचिंग है बिल्कुल। फिर इसके बाद आ जाती है शिनोबी आर्मर S686 शॉटगन की स्किन है, और फिर क्या है ये फेटल फॉक्स Win 94। अच्छा, तो Win 94 की स्किन भी है इस बार, ये भी व्हाइट रेड है बिल्कुल मैचिंग। TP19 बाइजन है। अच्छा, बाइजन आ रही है रॉयल पास में। ओ भाई ये क्या है, फोर्टिफाइड गोल्ड M762। हेलो, पेन के साथ एक और अपग्रेडेबल स्किन है क्या? बिल्कुल अपग्रेडेबल लग रही है यार ये तो। अब इसके आगे मॉली की स्किन है। ओके, किट्सुने ओमन मोलोटोव। अच्छा, अपग्रेडेबल मॉली, सीरियसली? मतलब अपग्रेडेबल का तो पता नहीं, पर किल फीड है इस मॉली की। अब जो इसके आगे स्मोक है ये भी किल फीड वाला ना हो यार। अच्छा नहीं, इसमें किल फीड नहीं है। आगे कुछ और रिवॉर्ड दिख रहे हैं, ये फ्री वाला पैराशूट लग रहा है मुझे, फ्री रॉयल पास में जो मिलता है। एक पिस्टल की स्किन भी है, T1911 पिस्टल भी है रॉयल पास में। चलो फिर ये दो इमोट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एपिक इमोट्स। और ये है वो अपग्रेडेबल पैन, ये अपग्रेड होने के बाद तो रेड है, लेकिन अपग्रेड होने से पहले इसका बेसिक वर्जन तो ब्लू है भाई, मतलब बिल्कुल रंग ही बदल दिया क्या इसका। यार बढ़िया होने वाले इस बार के रॉयल पास रिवॉर्ड, मुझे फीलिंग आ रही है गाइस, देख रहे हो। फिर चेकआउट करते हैं प्लेन वाली फिनिश, ठीक है, एनिग्मेटिक नाइट प्लेन यार ये मतलब सही है, ओके। फिर ये किट्सुने ओमन विंगमैन है इस बार, विंगमैन की भी आ रही है रॉयल पास में। और ये नीचे क्या दिख रहा है मुझे, स्कूटर की स्किन दिख रही है भाई, नाइट योंडर स्कूटर। तो ये वाला स्कूटर आ रहा है यार, जो वो ब्लू मतलब नीले रंग का जो स्कूटर रहता है ना, उस नीले स्कूटर से छुटकारा मिल जाएगा। और अब तो रैंगल मैप पे भी आ रहा है यार स्कूटर, तो इसलिए ये स्किन भी ऐड करी इन्होंने। अब ये योंडर बस है, इसकी स्किन है, ये तो वैन मिरामार मैप में होती है। वेट एक सेकेंड, कहीं वैन भी तो रैंगल मैप में नहीं आ रही इस बार? चलो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अपडेट देता रहूंगा।
दूंगा, फॉलो कर लेना। तो चलो दोस्तों अब बारी है इस मिथिक इमोट को सही से देखने की। ये इमोट है फेरी लस्टर, लेवल 100 वाला ये इमोट है, आरपी 100। फिर यहाँ आगे हमें दिख रहा है ये लेवल 50 वाला आउटफिट। पर ये क्या है, ये साइबोर्ग एवेंजर सेट? ये तो अभी कवर मिथिक में था ना, अब ये मिथिक से एपिक कैसे हो गया? अच्छा एक सेकेंड, वो साइबर फाइटर है, ये साइबोर्ग एवेंजर है, दोनों अलग अलग सेट है। इनका ये जो आंखों पे लगाने वाला चश्मा है थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। ये दोनों डिफरेंट सेट है गाइस, बिल्कुल अलग है। तो अब आगे है सीजन 16, साइकिल 6 का सीजन 16। इसके अंदर टियर रिवॉर्ड्स पे जो मिलने वाला है हमें, ये आउटफिट है, ये मास्क है और ये रेड हेयर स्टाइल है इसका, ये चीजें है इस बार। और जो गन आ रही है इस बार M24 स्नाइपर की गन आ रही है क्या? ये सही है भाई, टियर रिवॉर्ड्स में M24 की गन स्किन लौट के आई है बहुत टाइम बाद। तो मैं जिसके पास M24 की स्किन है ना भाई, बहुत रेयर निकलती है ये M24, तो M24 की स्किन अब एक और हो जाएगी यार गेम में। मुझे तो बढ़िया लगी यार स्किन, तुम्हें कैसी लगी बताना मुझे कमेंट्स में। फिर है साइकिल 6 का मिथिक आउटफिट, साइकिल 6 सेट। जिन्होंने तीनों सीजन खेले हैं साइकिल 6 के, उन्हें ये मिलने वाला है। सही है यार, बढ़िया है। तो दोस्तों मैं 2018 से खेल रहा हूँ इस गेम को, तो मैं मिथिक आउटफिट सारे ले चुका हूँ, 6 साल हो गए मुझे खेलते। पर जो न्यू प्लेयर्स है उनके लिए बहुत काम का रहने वाला है, मिथिक अचीवमेंट्स अनलॉक होती है इनसे, तो ये याद से कलेक्ट कर लेना। तो फाइनली अब आ जाते हैं रॉयल पास के रिवॉर्ड्स पे। लेवल 1 पर है ये फेटल फॉक्स सेट, देखने वाले हैं भाई किस रैंक पे क्या चीज आ रही है। तो ये दोनों चीजें तो यहाँ पे रैंक 1 पे हो गई। फिर इसके बाद रैंक 10 पे आ रही है PP19 बायजन। चलो ये रॉयल पास वालों के लिए है। लेवल 15 रैंक 15 पे डिजी स्पिन इमोट है ये वाला, ये फ्री इमोट रहेगा। प्लेन की फिनिश भी यहाँ पे रैंक 15 पे ही दिख रही है हमें, ये एनिग्मेटिक नाइट प्लेन। और फिर मिलेगी रैंक 20 पे ये हेलमेट की स्किन, जो कि रॉयल पास रिवॉर्ड रहने वाला है, फ्री थोड़ी आएगा भाई हेलमेट। और अब हेलमेट के आगे चेकआउट करते हैं। बैकपैक से पहले पैराशूट आता है ना, पैराशूट का है फ्री वाला। अच्छा ये रहा रैंक 25 पे ये वाला पैराशूट आ रहा है इस बार। और फिर इसके बाद कोई गन की स्किन होनी चाहिए, हाँ ये रही फेटल फॉक्स Win94, ये आ रही है रैंक 30 पे। और इसके साथ एक मिथिक इमोट भी है, ये साइबर फाइटर जो मिट्टी में कुछ ढूंढता है, ये वाला इमोट है इस बार मिथिक वाला। भाई ये क्या किया इन्होंने, मिथिक इमोट के नाम पे औकात दिखा दी भाई, क्या है ये, मिथिक इमोट कहां से हुआ? फिर साइबर फाइटर सेट है यहाँ रैंक 50 पर, जैसा कि अंदाजा लगा रहे थे हम, तो यही वाला आउटफिट है लेवल 50। और इसके आगे आता है कोई फ्री आउटफिट, चलो वो देखते हैं बिना रॉयल पास वालों के लिए, मतलब फ्री रॉयल पास वालों के लिए कौन सा रहता है। तो इसके आगे क्या चीज कहां आ रही है बस अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। ये वाला आउटफिट फ्री है ये तो पता चल गया हमें। अपग्रेडेबल पैन है, बेसिक अपीयरेंस है, ये थोड़ी सी बैंगनी कलर की है, पर्पल और व्हाइट है ये। इसके बाद एडवांस फॉर्म जाकर आएगा ये लाल रंग का पैन, तो यार ये तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा हमें, एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट करें ना करें एडवांस तक तो करना ही पड़ेगा, मिनी मटेरियल से हो जाता है। पैन के बाद यहाँ दिखता है ये फ्री इमोट, पपेट जॉय फ्री वाला इमोट है। फिर शॉटगन है यहाँ पे, शिनोबी आर्मर ये वाली शॉटगन की स्किन आ जाएगी 55 पे। चलो हम इसके आगे चेकआउट करते हैं गाइस, आगे क्या आने वाला है। बैकपैक किधर है, हाँ बैकपैक ही तो है, ये रैंक 60 पे बैकपैक है ये, ग्लाइडेड ग्लेज बैकपैक रैंक 60 पे आ जाएगा। यार बैकपैक अच्छा है वैसे इस बार का। देन ऑर्नामेंट है लेवल 65 पे, ये तो पटाखे लग रहे हैं मुझे, क्या था ये। तो रैंक 45 पे इसका हेड गियर था, मतलब आई गियर था आंखों में लगाने वाला चश्मा। और अब ये 70 पे है आउटफिट, तो ये दो चीजें इधर आ गई। अब जो बस की वैन की स्किन है ये नाइट योंडर बस, ये है लेवल 70, तो रैंक 70 पे ये बस भी ऐड हो जाएगी। भाई बस की स्किन नहीं थी शायद मेरे पास, अच्छा एक थी पर ये उससे बेटर है। फिर दोस्तों स्मोक यहाँ पे रैंक 80 पे मिल रहा है, और ये वाला जो मिथिक इमोट है ना भाई, ये बहुत अच्छा इमोट है, ये फेरे लस्टर ये मिल रहा है हमें इस बार रैंक 80 पे, ये वाला इमोट हो गया मिथिक वाला। और फिर फाइनली गाइस 40 फीट गोल्ड M762, भाई ये है गन की स्किन, तो यार ये तो लेनी है। फिर आ जाता है 100 RP वाला ये सेट, 100 RP आउटफिट फेरे लस्टर सेट, लेकिन यार M762 तो गजब ही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो हो चुका है समाप्त। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी अपडेट्स के लिए। मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।